ओके चलो स्टार्ट चलो स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट रिडक्स और इसको खोल लेते हैं। सबको नजर आ रहा है पीएमडी कोड इस क्लास में आपकी ठीक ठाक लर्निंग हो जाएगी जो रिडक्स वाले हैं उनकी। ठीक है तो थोड़ा सा जो है ना कंसंट्रेट करना और चीजों को समझने की कोशिश करना। CC CL NPM start यार वो मैं अपने सर के साथ बैठा हुआ था इत्तेफाक से मैंने ऐसी सिचुएशन बताई जिनके साथ मैं पढ़ता हूँ जिनसे मैंने पढ़ा था तो उन्होंने बोला भाई तुमने ऐसे ही किया था उनको बोल दो ऐसा नहीं करना जैसे तुम कर रहे थे जैसे तुमने किया था वरना देखो तुम्हारे आगे वाले 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए मंथली पे बैठे। मैंने किया मेरे स्टूडेंट्स हाँ वो अब बिजनेस डेवलपर है। बिजनेस डेवलपर क्या करता है सेल्स का बंदा है नहीं बाबू देख कंपनी का बाप सेल्स होता लेके है। वो आता क्या करता है प्रोजेक्ट उठाता है कितने का उठाया इतने का कंपनी को बताता है इतने का मेरे पास प्रोजेक्ट है $10,000 का। कंपनी बोलती है ठीक है हम आपको जो है हाथ के हाथ इतने पैसे देते हैं हाथ के हाथ लेते हैं प्रोजेक्ट उनका बात करते नहीं तो किसी फर्म के लिए नहीं काम करते अपना अलग का अपना काम करते फर्मों को प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट उठा स्टार्ट उठा के देखते करके रहते हैं। सिर्फ ये काम है इसलिए ये लेवल है 15 to 20 पर मंथ 15 to 20 पर मंथ पर मंथ अगर यार एज 15 to 20 पर मंथ। ग्रुप आपका नहीं, है लड़का 36 38 वो कभी टीडीएस वाला मैच देख रहा था ऐसे ही था जैसे ये हुआ करता ना ऐसे ही था। कभी ओके शुरू करें इसको खत्म करते हैं और अपना एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पर आया मैं कंपोनेंट्स यहाँ पर बना लेते हैं क्रड CRUD। ठीक है अच्छा आप लोगों ने सिर्फ बताने क्या करना चाहिए। इसको बंद कर देते हैं इनको भी बंद कर दिया इसको भी कर दिया करियर है सर क्रिएट और क्रिएटिंग ऐड और डिलीट मैं ऐड और डिलीट करवाऊंगा अपडेट और डिलीट ऑल आप लोगों ने फ्राइडे तक वाली क्लास में करना है। सही है सही मंडे से फ्राइडे कमिंग वाले की। ओके मैं इस पर आया और इसका नाम रख लेता हूं मैं क्रड डॉट जी एस CRUD.js। ठीक RAFCE गेट पे पोस्ट कर दिया मैं कोड अपडेटेड नहीं ठीक करने मना किया है गेट पे जाकर करने मना किया वीडियो देख क्रेडिट कंपनी सही है कंपोनेंट और एनी एंट्री रिएक्ट मंगवा लिया और क्रेडिट का सी छोटा है कैपिटल और कैपिटल। ठीक और शिफ्ट है तो और हम कर लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा से क्या करते हैं बस से ये तो इसको हाँ कैसे रिजॉल्व करते हैं सही है फिर मतलब सर मैं इसकी हेल्प लेता हूँ टेक्निकल जब मैं सोशल मीडिया फिर भी नहीं होता तो मुझे क्या मतलब मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसा हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता ना कि आप
आपको बैठने भी बताएं, वहाँ पर डेवलपर है लेकिन वो आपको हिंट दे देंगे आपने ये करना, बाकी आपने इशू भी सॉल्व करना है यही होता इंशाल्लाह। है, ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ मैं अभी। रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, और इस कंपोनेंट को कहाँ चलाएंगे? इस कंपोनेंट को होम पे चलाएंगे, ठीक है, और होम की बाकी सारी चीजें थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। आप लोगों को तो सब कुछ पता है ना, कोड आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया CRUD, मिल गया मुझे, ठीक है। बाकी सारी चीजों को मैं कर देता हूँ कमेंट। और यहाँ पर मैंने कर दिया /CR, अब क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए, ये वाला कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए। सेव किया, सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। कुर्सी का मार मारिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये अहमद कहाँ से आ रहा है, ये अहमद हटाओ, अहमद कहाँ से आ रहा है, ये रहा वो आपका वाला अहमद। ओके ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। बना हाँ, एक इनपुट फील्ड एक बटन बना लेंगे, ठीक है, सही है, बना लेते हैं जल्दी से। ओके डेव, नहीं नहीं बूटस्ट्रैप वाला कुछ नहीं करेंगे डेव, लेंगे। ठीक है। और इसके अंदर मैंने ले लिया एक लेबल, बल्कि लेबल की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। इनपुट स्लैश इनपुट, ठीक है, टाइप, और इसके अंदर टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में लिख लेते हैं। या फिर राइट समथिंग लिख लो, कुछ भी आए जाने दो, ठीक है। और इसके आगे मैंने लिखा बटन, ठीक है, ऐड आइटम, ठीक है, सेव किया, ऑटो फोकस भी कर देते हैं। तो यस के अंदर बना यस, उसको यूज करते हैं। मैं दो फीचर कराऊंगा, दो आपने करने, लेकिन दो में एक किस्म के तीन आते हैं, एडिट अपडेट, ये दो कहलाएंगे, एडिट अपडेट और ऑटोमेटिक डिलीट ऑल, ठीक है। उसमें वो वाला कैम भी होना चाहिए जैसे मैंने आपको कैंसिल का बताया था, कैंसिल दबाए तो सारा परफॉर्मेंस कैंसिल होनी चाहिए, क्रेड ऑपरेशन में हमने कैंसिल भी लगाया था, ठीक है। ओके, मैंने ऑटो फोकस भी लगा दिया, ऑटो फोकस सेव किया, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, ऑटो फोकस इज नॉट वर्किंग, हटा देते हैं। नहीं, कितने काम करते ऑटो फोकस ये काम कहीं करता भी है, चेक करोगे और कुछ करा देना। ट्रू लगा देते हैं, सेव किया, नॉट वर्क। मैं जबरदस्ती करवा सकता हूँ इसको ट्रू, लेकिन मैं वो काम नहीं करवाऊंगा अभी। हाँ, ऐसे ही चलेगा। ओके, ऑटो फोकस को छोड़ते हैं, वो क्या करता है, बस ये कि आपका इनपुट को एक्स्ट्रा फोकस रखता है, क्यों नहीं हो रहा? वो इस वजह से नहीं हो रहा कि इसमें से थोड़ा सा लंबा है, इसमें थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी, रिडक्ट में रिडक्ट नहीं, रिएक्ट में थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी। अच्छा सही है, अब हमने इसको हमारा जो ये इनपुट है इसको एसोसिएट करना पड़ेगा किससे, रिएक्ट से, यूजर इनपुट रिएक्ट से एसोसिएट करनी पड़ेगी, सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर आए कंपोनेंट और क्रेड सही है,
यहाँ पर हमारे पास हैं ये दो हैं अभी, ठीक है? ओके, मैं एक जल्दी से स्टेट बना लेता हूँ। पेंडिंग स्टेट से लॉन्च्ड दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर क्या रखेंगे? श्योर कौन है? एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे, ठीक है? यहां पर हमने लिखा यूजर इनपुट INPUT, ठीक है, कॉमा सेट यूजर इनपुट, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? ओके, वैल्यू में क्या देंगे? यूजर इनपुट, ठीक है? और ऑन चेंज और क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू दिस, कॉल समझ आ रहा है? कॉल बैक डी मिलेगा, डी डॉट टारगेट हो जाता है। ये कंफ्यूज नहीं होने, कोई बोले मैं तो डी रखूंगा, डबल एक्स रखूंगा, मेरा मतलब है कीवर्ड, सही है? डॉट वैल्यू सेव किया और आगे जाते हैं। अब जो इधर लिखूं वो इधर आना चाहिए, कहां पर? इधर। अगर इसको हम इनको यूजर इनपुट आ रहा है, सही है? AHMED, सही है, एसोसिएटेड हो गया किससे? रिएक्ट से, यूजर इनपुट। अब बटन के क्लिक पे यूजर इनपुट की वैल्यू कंसोल में लानी है और यहां से उड़ा देनी है, नीचे नीचे कंसोल पे चली जाए और यूजर इनपुट क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके, नल क्यों करें? एम्प्टी। एड आइटम हैंडलर, सही है, एड आइटम हैंडलर, ठीक, कॉन्स्ट एड आइटम हैंडलर इज इक्वल टू दिस। सर, हम लोकल स्टोरेज की जगह हम रिडक्स में सारा स्टोर कर रहे हैं ना, यस ये काम हो गया यस, यानी कि लोकल स्टोरेज की बिल्कुल काम। ऐसा नहीं है, लोकल उसका स्टोरेज अप, का तो आपने पता था, अलग काम है, अलग इसका काम है। अलग काम है। ये बात लोकल स्टोरेज अगर मिक्सअप कर रही हो ना तो मिक्सअप नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। रिडक्स करना पड़ेगा, यानी कि रिडक्स के अंदर हमें सारा डेटा डालना पड़ेगा। यस, आप ये तो नहीं कह रही ना दोनों का काम एक ही है, ये नहीं कह रही, सही है? ये नहीं कह रही। ओके, एड आइटम हैंडलर, यहाँ क्या लिखूं कंसोल में? स्टेट का नाम लिख लिया और नीचे सेट यूजर इनपुट, सबने जवाब देना है, सही है? नहीं नल नहीं, चलो नल रख के देख लेते हैं क्या आएगा। सर, सेव किया, देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश, AHMED नहीं सर, कॉल नहीं किया, बाकी सारे एक्टिव रहो भाई, एक बंदा एक्टिव है सिर्फ। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और इसके अंदर क्या रखेंगे? स्टेट का नाम हैंडलर, एड आइटम हैंडलर, सही है? सेव किया, AHMED, सही है, लेकिन उसने नल तो आपको स्टेट को कर दिया, लेकिन इस तरह नहीं करना था। आपने जब स्टेट को रिसेट करना है, जो डेटा टाइप पहले से दिया हुआ है ना, आपको बाद में वही देना है, ठीक है? यस, नल किया, एम्प्टी नहीं किया, मैंने कर दिया बाद में एम्प्टी, सही है? सेव किया, अब चलाते हैं। शुड नॉट बी नल, शुड नॉट बी नल, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नल कहाँ आएगा? जहां पर आपको 100% श्योर हो के आने वाली प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट है,
ये आने वाला डेटा ऑब्जेक्ट है, तब नल रखेंगे, ठीक है? ओके, अब क्लियर किया ऑप्शनल तो के बारे में कह रहा है, तो कल हमने लिखा था यस, तो हटा दिया था, हटा मैं बता रहा हूं कि नल दिया कब रखेंगे, ये बता रहा था दोबारा, ठीक है? जब आप पता होगा डेटा टाइप ई वाली आएगी तो एक्सपेक्ट डेटा टाइप जब आने वाला ऑब्जेक्ट है तब नल रहे, सही है? ओके, आगे बढ़े। अब क्या करेंगे, इतना काम तो हो गया हमारा। वो इधर फील्ड बन गए, इनपुट फील्ड बन गए, अब नाम यहां से डेटा लेंगे, रिएक्ट रिडक्स तक लेके जाएंगे, क्या करें उसी पे काम करें, एक नया रिड्यूसर बना लें, नया बना ले सर, लेकिन अभी लोकल स्टोरेज वाला काम लोकल स्टोरेज वाला कोई काम नहीं कर, नहीं लेके जा सही है, उसी रिड्यूसर में काम करें, नहीं सर नया बना, एक नया बना लें नया बना ताकि आपकी लर्निंग हो जाए, ठीक है? हाँ सर। कहाँ आया? नहीं वो उस वक्त आया था जब सेव नहीं करा था, जब सेव नहीं करा था तब नल आया था, यही आ रहा होगा, देखो। अच्छा इसमें एम्प्टी आ रहा है, नल नहीं आ रहा, एम्प्टी आ रहा है, सही है? ओके, जल्दी से आता हूँ मैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे गया रिडक्स स्टोर और एक्शंस में, मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, क्रेड एक्शंस, CRUD -ACTION, सही है? क्रेड एक्शंस बना लिए, और रिड्यूसर में गया मैं, और यहाँ क्या बनाऊंगा, क्रेड रिड्यूसर, सही है? CRUD -RED CER, ठीक है? चलो हमारा काम हो गया यहां तक का। ओके, फाइल बना लें जाके, क्या नाम रखेंगे, क्रेड एक्शंस डॉट जेएस, सही है? ओके okay. और रिड्यूसर की फाइल भी बना लेते हैं, हाथ क्या, ठीक CRUD -RED CER, ठीक है? प्रोफाइल रिड्यूसर भी खोल के रख लेते हैं, सिंटेक्स कॉपी कर लेते, सही है? ओके, यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्या रिपोर्ट कराएं यहां तो तो नहीं नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ आपके एक्शंस जो हैं उसको हैंडल करेगा, नो, जो एक्शन डिस्पैच होंगे ना उसके फंक्शंस यहाँ डिफाइन होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। ऑल एक्शन फंक्शंस, ऑल एक्शन फंक्शंस रिलेटेड टू क्रेड आर डिफाइंड हेयर, DEFIN डिफाइंड हेयर, सही है? नोट लिख दिया मैंने, सही है? फिर मैंने लिखा कॉन्स्ट, एक फंक्शन में आ रहा हूं, एड आइटम एक्शन फंक्शन, सही है? ओके, एड आइटम इज इक्वल टू दिस, क्लियर है सबको यहां तक? जो आपका एक्शन फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट एक फंक्शन रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट एक फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है? रिटर्न दिस, सही है? ओके, इसको मुझे बाहर यूज करना है तो एक्सपोर्ट बार यूज करना है बाहर यूज करना है, एड आइटम, सही है? यूज हो जाएगा अब। ओके, डेटा जो आएगा वो आएगा यहां से, मैंने लिखा फॉर्म डेटा, ठीक है? कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा और फॉर्म डेटा, सही है? ये आपका एक एक्शन फंक्शन डिफाइन हो गया जो कि एड आइटम का डेटा क्रॉड कंपोनेंट से
यहां तक लेकर आएगा, रिडक्स के एक्शन फंक्शन तक लेकर आएगा, जो के एक्शन डिस्पैच होगा एड आइटम पे, यहां तक अभी सिर्फ डेटा लेकर आ रहे हैं, सही है। अगर ये लाइन चल जाती है लाइन नंबर 6 एड क्रड एक्शन डॉट जेस्ट, दैट मीन्स रिडक्स सही चल रही है और ये फाइल भी हमने बिल्कुल सही बनाई है, ठीक है, सेव किया। इम्पोर्ट दिस फ्रॉम डबल डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्टोर स्लैश एक्शंस स्लैश क्रेड एक्शंस स्लैश क्रेड एक्शंस डॉट जेएस, सही है, लिखने डॉट जेएस लिखने की नीड नहीं। हमने क्या एक्सपोर्ट करा था? एड आइटम, देखो बकेट में किया था तो बकेट में मिलेगा, मिल रहा है, ओके। मैंने यहां लिखा हैंडलिंग रिडक्स शेयर, कॉन्स्ट डिस्पैच PATCH इज इक्वल टू, कहां से मंगवाएंगे, इम्पोर्ट बकेट फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि कंपोनेंट में यूज हो रही है, अब रिएक्ट रिडक्स की बात हो रही है, ठीक है। क्या मिलेगा यहां से, यूज डिस्पैच, बस इसकी नीड है अभी, बस इसकी नीड है अभी, ठीक है, ओके। हाँ ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए, ठीक है, यूज डिस्पैच, ठीक है। अगर आगे मैं कुछ ना लगाऊं तो ये सही है, लेकिन मुझे बाद में जो है ना इसको एक्शन को कॉल करना है, तो मैंने फिर यहां लगा दिया ये, अब कॉल करूंगा तो चलेगा, क्लियर, सही है, ओके। मैंने बोला कि आप इस कंसोल को बंद कर दो, डिस्पैच, बल्कि नहीं अभी भी नहीं, इसको सही है, बला बुलवाया हुआ मैंने, डिस्पैच कॉल करा, ठीक है। ये क्या डिस्पैच है, रिडक्स का फंक्शन जब डिस्पैच होगा तो इसके अंदर होगा, ठीक है। एक्शन फंक्शन क्या बनाया था, एड आइटम, ठीक है, और हमें क्या भेजना है आगे, यूजर इनपुट, यूजर इनपुट मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले, पहले सेव करके चला लेते हैं उसके बाद पूछ लेंगे। ALI फॉर्म डेटा क्रेड एक्शन लाइन नंबर 6, ठीक है, अब जिसको जो पूछना है यहां तक वो पहले पूछ ले और देख ले, हाँ यूजर इनपुट पहले ऐड आइटम के फंक्शन में गया और यूजर इनपुट ऐड आइटम के फंक्शन में गया करंट एड आइटम जो कौन सा वाला, एक्शन का फंक्शन बनाया था। ये इसके फंक्शन में नहीं गया, ये पास ऐसे ही होगा ऑलवेज, ये जो पास होगा ना आगे, जो आपका एक्शन डिस्पैच होगा उसके पैरामीटर से ही आगे जाएगा, यहाँ एज अ आर्गुमेंट भेजेंगे, वहां एज अ पैरामीटर रिसीव करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ये रहा फॉर्म डेटा जो रिसीव हो रहा है वो यहीं से जा रहा है तो वहां रिसीव हो रहा है, लेकिन किसके किस किसके बिहाफ पे, डिस्पैच के बिहाफ पे, सही है, आगे बढ़े। और मेरे कहाँ पर इसको भेजे कॉपी किया, कॉपी, और इसको बंद कर दिया, ठीक है, पेस्ट करा, फजूल जो चीजें वो हटा देते हैं, ये दोनों चीजें फजूल थी, सही है। और स्टेट्स हमारी, ये लाइन भी अभी किसी काम की नहीं है, और प्रोफाइल रिड्यूसर के बजाय यहाँ पे कर देते हैं डी डी CRUD क्रेड रिड्यूसर, ठीक है ठीक है। सी कैपिटल इसका, और इन दो स्टेट्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है, इनिट स्टेट, और यहां तक कहां पर, नहीं, ये एक वेरिएबल है जिसमें आपके पास एक फंक्शन रखा हुआ है, यहां तक रिड्यूसर में किसी को कोई मसला तो नहीं है, पक्की बात है, पक्की बात, हजम हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ऐसा ऐसा होगा, सही है, ओके।
एक्शन टाइप्स खोल लें, बल्कि नहीं पहले यहाँ पर सही एक्शन टाइप्स खोल लेते हैं। स्टेट में ही हमेशा यही रहे। ये इसका नाम हाँ यही रहेगा, चेंज कर लो लेकिन कैपिटल में। सही है, तो एक्शन टाइप्स को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, और इनमें अब एक नई वो बनाते हैं, एक्शन टाइप्स एक्सपोर्ट नॉट एक्सपेक्ट कॉन्स्ट एड आइटम एड अंडरस्कोर आइटम, कॉपी किया और असाइन कर दिया इसमें यही। ठीक है, बकेट में मुझे मिलेगा एड आइटम, ठीक है ओके। सेव किया और इधर गया मैं, मैंने बोला इम्पोर्ट दिस फ्रॉम डबल डॉट स्लैश एक्शन नॉट एक्शन एक्शन टाइप स्लैश एक्शन टाइप डॉट जेएस। ठीक है, तीन चीजें मिल रही हैं, क्या चाहिए? एड आइटम। ठीक है, मैंने आपको बोला था जो एक्शन डिस्पैच हो रहा है वो एक फंक्शन रिटर्न करता है, वहां से आपको पैरामीटर में क्या मिलता है? एक फंक्शन मिलता है विच इज डिस्पैच, वो ये है। जैसे आपको ऑन चेंज में ई मिलता है, इधर से जो मिलता है ना उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी डी रखा था, इसका नाम मैं डिस्पैच रखता हूँ, जो मर्जी आप रिडक्स डिस्पैच रखोगे वो भी सही है, एक्शन फंक्शन रखोगे वो भी सही है। ठीक है, बताने के लिए मैंने बोला सही है, इसको बंद कर दो और जब डिस्पैच कॉल करो, पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट, कौन सी प्रॉपर्टीज लेता है, कितनी प्रॉपर्टीज लेता है, कौन कौन सी लेता है, टाइप और पेलोड। टाइप कब देंगे? टाइप मैंने क्या दूंगा, क्या दूंगा मैं टाइप? नेम चाहिए होगा। मैंने अभी ऊपर टाइप बनाई तो है, ये दूंगा, ये दूंगा। ठीक है, पे पे रोल नहीं, पेलोड। सही है, पेलोड में हम क्या देंगे, जो डेटा हमें आगे भेजना है, क्या भेजना है, ये जो फॉर्म डेटा आ रहा है ये तो भेजना है। क्लियर, इतनी साइकिल यहाँ पर लिखेंगे बकेट्स में लिखेंगे। देखो याद नहीं करना पहली बात, क्योंकि आप टाइप जो यहां मैं लिख रहा हूं ना, वो इस वजह से केस में भी वही लिखनी है। डबल डबल स्ट्रिंग में लिखने से बेहतर है एक जगह डिफाइन कर दो और दो जगह यूज कर लो, केस वो जो हमारा एक्शन टाइप वाला थे। जो अभी रिड्यूसर में बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है। ठीक है, नहीं तो समझ गया, फॉर्म फिलअप को कहाँ भेजेंगे रिड्यूसर में तो भी तो भेजना है वो एड आइटम से नहीं जाएगा। भाई। देखो एड आइटम तो फंक्शन चल रहा है, तो ये जो डिस्पैच हुआ है इससे डेटा आगे भी तो जाना चाहिए, एड आइटम के अंदर जो फॉर्म है वो रिड्यूसर वो में अब जाएगा आगे। ठीक है, पहले के साथ में फंक्शन टाइप था फिर जाके नो हमारे नो 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 नो, ऐसा नहीं है, एक मिनट सबर कर जाओ, सबर कर जाओ, इसको सेव करते हैं, पहले आगे जाते हैं। यहां पर एक्शन टाइप मंगवा लेते हैं, इम्पोर्ट दिस फ्रॉम डबल डॉट स्लैश एक्शन टाइप्स स्लैश एक्शन टाइप्स। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ पे, एड मिल गया। ठीक है, मैंने बोला अभी जिसने रिडक्स पढ़ी भी होगी ना वही जवाब देगा, केस जब क्या हो, एड आइटम। अब वो वाला जब एक्शन चलेगा ना, उसमें टाइप मिली ये एड आइटम और इधर मिली, तब ये चलेगा, वरना ये नहीं चलेगा। अब क्लियर हुआ, अगर मैं आज स्ट्रिंग में कोई डेटा लिखूंगा और वहां भी सेम लिखूंगा तब वो वाला केस चलेगा, अदरवाइज वो वाला केस नहीं चलेगा। अब क्लियर है? नहीं क्लियर है, छोड़ो। मैं एड आइटम पर आया, इसको मैंने रख दिया, कोई स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी, इसको मैं छोड़ता हूं, मैंने इसको एक स्ट्रिंग में वैल्यू दे दी एड आइटम। अब क्लियर है, मैं इसी को कॉपी करता हूं और सेव किया, आगे गया, इस लाइन को बंद किया, और ये जो एड आइटम है इसको मैंने स्ट्रिंग में रख लिया। दोनों जगह सेम है, इधर भी सेम है तो उधर भी सेम है। अगर मेरे पास
100 टाइप्स होंगे तो पॉसिबल है कि मैं स्पेल मिस्टेक कर दूं, है कि नहीं? एक्शन टाइप में एक जगह बना के ना रख लूं, तो यही तो किया था, यही किया था। सही है, ये देखो यहाँ मैंने टाइप बना के रखी हुई है, और फिर मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पे बुला ली, यहाँ पर इसको मैंने खोल दिया वापस, और इधर से मैंने हटा दिया, क्योंकि मोस्ट पॉसिबल है कि मैं कभी ना कभी स्पेल मिस्टेक कर दूंगा। पर लाइक काम तो होता नहीं ना कि हम अपने लिए करते हैं ना, बोल रहे थे कि हम यस, इसका एक किस्म का यही स्टाइलिंग काम है, जो इधर हो वही उधर भी हो, बस यही काम। ठीक है, सेव किया इसको मैंने यहाँ से, और इधर जाके मैंने बोला कि जब आपको इसको भी खोल देते हैं, जब ये हो ना तो कंसोल करवा दो, जो भी आपके पास एक्शन, यहाँ पहले हम लिख लेते हैं डेटा रीच, सही है, और आगे लिख देते हैं डेटा किस में आ रहा है, एक्शन पेलोड में आ रहा है, डॉट पेलोड PAYLOAD। अब अगर दोनों की डेटा टाइप वो टाइप मैच करती है, एक्शन टाइप्स, तो ये कंसोल चलना चाहिए वरना नहीं चलना चाहिए। क्लियर, चला के देखें। हमने रिटर्न भी स्टेट दिया, हाँ, स्टेट भी तो कुछ भी नहीं है ना। मैंने अभी कुछ ऐसे कंसोल की हद तक है ना, अभी तो हमने स्टेट में वही या किसी और चीज में घूम ही नहीं रहे, कंसोल तो चलना चाहिए, वो तो ब्राउजर का है, जावास्क्रिप्ट का तो नहीं है। ठीक है, चलना चाहिए, कौन कह रहे ये वर्क करेगा? रिडक्स जो पढ़कर आया है वो कौन कह रहे ये वर्क करेगा? चलेगा? और आप क्या कह रहे हो भाई, नहीं चलेगा ना? ये मैं भाई नीचे गया लकी नहीं हूँ चले, तो वो पूछो ना। अब मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉज दूँ, आप सिर्फ देखो हुआ क्या है। सवाल क्या था आप मेरा सवाल ये है, जो लिखा है वो चलेगा? लिखा नहीं तो क्या पता, मैं कोई, मैं ये भी तो बोल रहा हूँ, जिसने रिडक्स पढ़ी भी है ना अभी, वो बताएगा कि भाई सही चलेगा या नहीं। है चले स्विच साइड भी सर एक्शन जिसने देखना है वो ये देख ले। ऊपर आपने स्विच केस में जो है एक्शन टाइप लिखी है नीचे पेलोड। चलो पेलोड को हटा देते हैं, खाली एक्शन देख लेते हैं। सही है, ये लो बस, अब सही है, सेव किया, आगे जाते हैं। बताओ चलेगा नहीं चलेगा? 1 मिनट दे रहा हूं देखने के लिए, हम 8:10 पे रन कर लेंगे। फायदा नहीं है शायद नहीं, कौन, ये आपके साथ जो कोड चैलेंजेस होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं भाई, ये देखो सिर्फ बताना है कि चलेगा कि नहीं, ये होगा आपके साथ। ऑलरेडी वो यार ये तो मैंने अभी पहले पूछी है ना मैंने। दिस भाई आपने भी देखना है ये चलेगा कि नहीं, चलेगा पक्की बात है? दो तो बिल्कुल पक्के हैं भाई, चले ना, वो बोले चलेगा ही चलेगा, जो मर्जी हो जाए, कंप्यूटर क्रैश हो जाए चलेगा ही। वो पेलोड आप वापसी कर दें, मसला नहीं है, पेलोड चलना का मसला नहीं है, चलेगा तो चाहिए, ये वाला जवाब एक्सेप्टेबल नहीं, नहीं चलेगा हाँ या नहीं? बहुत चलेगा चलेगा? और आप क्या कह रहे हो, नहीं चलेगा ना? चलेगा, अब नहीं तो मैं बता नहीं वाला कौन है? आप नहीं वाले हो ना, और आप भी नहीं हो, दो नई वाले हैं जिन्होंने पढ़ी नहीं है, और बाकी सारे बोले हाँ वाले। सही है, सेव किया, सेव किया, और एक काम करते हैं यहाँ वाला भी कंसोल खोल लेते हैं, ताकि पता चले डेटा यहाँ तक तो गया है। सेव किया, और यहाँ पे डेटा रीच एक्शन डॉट पेलोड, रिफ्रेश, नहीं चला, जीत गए। इस्तेमाल बेस्ती तुम्हारी हो गई है तो नहीं दोबारा दस दोबारा देखो और बताओ क्या इश्यू है। मिनट वो उन्होंने पढ़ी नहीं है, वो तो गैस कर रहे हैं, बोलना हवाई तुक्का, हवाई तुक्का होता है, पास भी करा देते हैं, हवाई तुक्का पास भी करा देते। ये तो आप बताओ ना, मैं तो चला के दिखाऊंगा,
मैं आपको देख रहा हूँ कि पढ़कर कितना आए हो। अभी अहमद आ रहा है, इसका मतलब वो वाला कंसोल चल रहा है, वो वाला वहां कंसोल से यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं है। ये लो यहाँ पे कोई मसला इससे जुबान नहीं आती, यहाँ देखो यहाँ पे कोई कंसोल मसला है, देख ले दोबारा। कंसोल पे तो आ रहा है ना, इस पे कंसोल पे तो आ हाँ रहा है, इस पे डिस्पैच है ना, वहां पे कुछ ऐसी कितनी रिस्पांस मिल रहा भी नहीं रहा ने सिलेक्टर वाला सर अहमद नाम के नाम से डिस्पैच आ रहा है ठीक है यार इधर आ गया सर सिखाया कब वाला ये ट्रांजेक्शन खुद भी एक चीज आगे भिजवाता है भाई ये फाइनल है, यहीं तक, यहीं से आगे कहीं नहीं जाएगी। यहाँ से कंपोनेंट कंपोनेंट में बुलाई जा सकती है। ठीक ओके, यहाँ पर आए और मैंने मेन रिड्यूसर जो है इसको भी खोल लिया। देखा मैंने यहाँ पे लिखा क्रेड रिड्यूसर, CRUD क्रेड रिड्यूसर यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से नीचे कर लेते हैं, ठीक है। CRUD, एक मैंने प्रॉपर्टी नई बना रहा हूँ, इसको गौर से देखो। क्रेड स्टेट्स, और इसमें क्या रख दिया, क्रेड रिड्यूसर। अब क्लियर है, अब एसोसिएटेड हो चुका है। अब तो ये सर मिसिंग कर रहे थे आप। वहां पे स्टेट भी तो नहीं बनाएंगे नहीं तो स्टेट, अभी तो हम कंसोल में है ना, स्टेट बनाएंगे, अभी तक तो कंसोल में है। ठीक है, सेव किया और अब आगे जाते हैं। आपने सही कहा था जिसने नहीं पढ़ा था वो नहीं पता वो नहीं बता सकते। ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था नहीं, ये तो पहले दिन भी हो गया था। मेरी ये वाला लास्ट क्लास नहीं पढ़ा था AHMED, डेटा अभी रीच सक्सेसफुली। डेटा रीच हो गया, डेटा पहुंच गया। क्लियर, आपने रिड्यूसर एसोसिएट नहीं करा था, रिडक्शन रखा नहीं था वहां पर, इस वजह से वो नहीं चल रहा था। आप बताओ तो सही कि ये स्टोर का हिस्सा है, तो स्टोर को दे दो उसको। हमने दे दिया, जमा करके वहां घुसाने भी हैं, वरना चलेंगे ही नहीं। क्लियर हुआ कैप्टन साहब? ओके अच्छा ठीक है, अब हम जाते हैं, यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं जो हमारे रिडक्स की स्टेट होगी। ठीक है, तो सारे रिड्यूसर्स को हमने रिडक्स में कॉल किए बेसिकली रखा हुआ है, कॉल नहीं करा, रखा हुआ है। ये देखो एक मिनट, यहाँ पर हमारा ये मेन रिड्यूसर है, कंबाइन रिड्यूसर, नाम भी उन्होंने अच्छा रखा हुआ है, कंबाइन कर रहा है सारे रिड्यूसर को। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ किधर, स्टोर पर, और स्टोर में क्या रखा हुआ है, मैंने क्रिएट स्टोर में अपने तमाम रिड्यूसर का रूट रिड्यूसर रखा हुआ है। ये रूट रिड्यूसर क्या है, अगर हम यहाँ पे जाएं, यही तो कंबाइन रिड्यूसर है, के अंदर सारे रिव्यू करते इसके अंदर तो रखे हुए। आपने जब अंदर ही नहीं रखा तो वो मिलेगा कैसे? क्लियर हुआ कुछ कुछ? ठीक है, कंबाइंड रिड्यूसर्स क्या आपके नाम नहीं नो रखा नो नो, ये रिडक्स से आ रहा है, ये रिडक्स का बिल्ट इन फीचर है, जो एक प्रॉपर्टी लेता है, विच इज ऑब्जेक्ट। एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना, और वो आपको की पेयर वैल्यू में अपने रिड्यूसर पास कराते जाओ। क्लियर, आगे बढ़े। मैं यहाँ पर आया क्रेड रिड्यूसर पे, और यहाँ पर मैंने एक बना ली क्रेड लिस्ट, या डेटा लिस्ट कर देते हैं, ठीक डेटा लिस्ट। और ये होगी क्या, एक एरे फॉर्म डेटा एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास अहमद आ रहा है। सही है, ओके। मैंने बोला लेट डेटा लिस्ट, एक वेरिएबल बना रहा हूं मैं, इसको जरा गौर से देखो। डेटा लिस्ट क्लोन इज इक्वल टू स्टेट डॉट डेटा लिस्ट डॉट फ्लाई 0, जो पहले से रखा हुआ है उसकी एक कॉपी बनकर आ गई, जो पहले से रखा हुआ है उसकी एक कॉपी बनकर आ गई। स्टेट डॉट फ्लाई, स्टेट डॉट डेटा लिस्ट से आपको स्टेट मिली, डॉट फ्लाई 0 मतलब बाद में आइटम ऐड करूं तो यहीं पर रहूं, जो पहले से रखा हुआ वो लेकर आ जाओ। स्टेट डॉट जो है जो वही वेरिएबल है जैसे ऊपर बना स्टेट यस, बिल्कुल सही, और उसमें इनिट स्टेट रखी हुई है, तभी आपको डेटा लिस्ट भी मिली। और आपको आपने क्या बोला, जो रखा हुआ सब लेकर आ जाओ, डॉट स्लाइस 0। ठीक है, थोड़ा सा नए तरीके से करें, ये लाइन समझ आई सबको? अब इसको थोड़ा सा नए तरीके से करते हैं।
वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? इस लाइन को दिखाएगा बिल्कुल दिखाएगा, ठीक मैंने बोला जितना रखा हुआ है। सारे लेकर आ जाओ, अगर आपको पक्की श्योरिटी चाहिए तो ये लगा दो आगे, वरना वो भी वर्क करेगा, ठीक है? इस लाइन को कमिट कर रहा हूँ, और दिखाता ना जीरो पे, तो आपने बताओ ये नया तरीका नया तरीका है, लेकिन अब कुछ, लेकिन अब मैं वो बता रहा हूँ जो मैं पहले बता चुका हूँ, उससे करके देखते हैं, उससे भी वर्क करेगा। इसको कॉपी किया, नीचे वाली लाइन में आए, ऑल्ट शिफ्ट एफ, एरे 1 2 3 स्टेट डॉट डेटा लिस्ट, जिसने है सब लेकर आ जाओ, क्लियर? सेम वर्क करेगा बिल्कुल, ये ES6 ES7 का फीचर है। डॉट स्लाइस 0 जितने हैं सब लेकर आ जाओ, एरे ट्रिपल डॉट जितने हैं सब डेटा लेकर आ जाओ, क्लियर? रेस्ट ऑपरेटर यानी जितना डेटा, जितना भी रेस्ट का सब पहले से लेकर, इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब सपोज करो तुम्हारे पास दो डेटा पहले से ऐड है, तीसरा चाहिए, दो भी तो चाहिए, तो तीनों तीनों एक साथ है, जब चौथा डालोगे तो चौथा भी आएगा, ठीक है? ओके, मैंने उसके बाद बोला कि डेटा लिस्ट क्लोन डॉट पुश, क्या करो? एक्शन डॉट पेलोड, वही वैल्यू आ रही है इसके अंदर चली जाएगी, एक्शन डॉट पेलोड एलोइड। के ये लिए मेन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ज्यादा काम कर तो रहे हैं रिएक्ट में, रिडक्शन में, उधर इंपॉर्टेंट भी काम करेगा, उधर भी काम करेगा, बिल्कुल फायरबेस से भी काम करेगा, ठीक है? क्योंकि ये क्या कर रहा है, जब जावास्क्रिप्ट ने पकड़ लिया तो जिस जिस फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी के आगे जेएस लगा हुआ है ना, वो सब जगह वर्क करेगा, क्योंकि पेरेंट एक ही है, वो जावास्क्रिप्ट है। हाँ डेटा कैसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है? ओके, डेटा लिस्ट में रन टाइम पे कुछ भी अपडेट हो रहा है वो रेस्ट ऑपरेटर उठा लेगा, कोई बिल्कुल उठाएगा, भी नया फील्ड डाल दो उठाएगा। बिल्कुल उठा के लेकर आएगा, ठीक है? रिटर्न, मैंने बोला सबसे पहले जो स्टेट है सब लेकर आ जाओ, अभी यहाँ पे एक है, सपोज करो चार पांच है, 1 2 3 स्टेट, और उसके बाद मैंने क्या बोला, डेटा लिस्ट में, डेटा लिस्ट को यहां से कॉपी करा, इसमें क्या रख दो, डेटा लिस्ट क्लोन, हाँ ऑब्जेक्ट है ना, ये देखो अभी बताता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों लगाए हैं, रिटर्न के रिटर्न के साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, क्यों लगाए हैं वो अभी अभी समझ आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? जाके देखें, चला के देखें, जाना चाहिए, आप कौन कह रहे नहीं चलेगा? साथ लिस्ट अपडेट कर देना ऊपर डेटा लिस्ट जो है उसमें आपने डेटा डाल दिया है अब चलेगा? और बाकी सारे तो चलेगा भाई। भाई, अब एक दफा दोबारा देख लो और फिर बताना चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपसे स्कूल में कुछ ऐसा लिंक भी कर दिया और बोलते मैं कहाँ मसला कर दूँ, मैं बताऊंगा नहीं, हैं ये मैं बोल रहा हूँ पहले तो मसला था वो रिजॉल्व हो गया। वो तो रिजॉल्व हो गया, रिडक्स एसोसिएटेड हो चुकी है, किससे? आपके बनाए हुए रिड्यूसर से, जो कस्टम फंक्शनैलिटी मैंने लिखी है कि आप उस पर 100% श्योर हो, ये बात है। अब वो तभी होगी जब जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस होगी। आप ये पूछ रहे हैं चलेगा कि नहीं चलेगा यस तुम बताओ भाई, चलेगा? चलाएं? डेटा लिस्ट ठीक है, मैं उन लोगों के लिए जो अभी इससे परेशान है, इसको कमेंट करके अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, सही है? अब बताओ चलेगा? चलेगा अब तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। चलो भाई नहीं एक और, वही तो, सेम वेरिएबल थे, सेम वेरिएबल थे भाई, नहीं अब कंफ्यूजन हो गई, पहले चला लेते हैं फिर बताता हूँ, ठीक है? सेव किया और रिफ्रेश किया, मैं कंपोनेंट्स में आया, रिडक्स इज नॉट वर्किंग, रिएक्ट इज नॉट वर्किंग, रिफ्रेश वर्किंग, रिफ्रेश, क्रेड, क्रेड में आई डिस्पैच स्टोर,
नहीं, सही है, ओके। हमें नहीं पता चल सकता कि चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि हमने कंपोनेंट में सिलेक्टर नहीं मंगवाया हुआ, भिजवाया है लेकिन मंगवाया नहीं। मंगवाया हुआ नहीं। ये सिलेक्टर कहाँ से आ रहा है? जो सिलेक्टर यूज करा है ना, तो कंपोनेंट में यूज भी तो करना है, पता तो चले आया ये कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जल्दी से मंगवा लेते हैं। मैं इधर आया, यूज सिलेक्टर यहीं से मिलेगा या नहीं, या ऊपर से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। मैंने बोला, आपने बोला बाथरूम नंबर। अब बाद में मंगवाए। ठीक है, फैचिंग डेटा फ्रॉम रिडक्स कॉन्स्ट फैच डेटा इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर। सही है, यूज सिलेक्टर है, इसमें हमने पास किया कॉल बैक। ठीक, अब ये जो है ना, ये वाला खाना, ये आपका है, ये वाला पूरा स्टोर जिसमें आपका रिड्यूसर है। रिड्यूसर में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं आपको निशान वो शॉर्ट कीज बता रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट है तो आपने रख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, वापस आओ, आपने बोला ऑब्जेक्ट में से मुझे डिस्ट्रक्ट क्या करना है, मैंने बोला क्रेडिट स्टेट उठा लो, इसी को कॉपी करा, यहीं पेस्ट मारा, मैंने बोला अब देखो रिटर्न कर दो। ये जो रिटर्न हो रहा है ना, ये वाला जो रिटर्न है, यही चीज को रिटर्न करते हैं, यही चीज रिटर्न कर दो रिटर्न मुझे, कर दो। रिटर्न क्रेडिट स्टेट्स। ओके, उसमें से क्या चाहिए? डॉट डेटा लिस्ट निकालें पहले ही। सी डॉट कंसोल डॉट लॉग फेच्ड, इनिशियली क्या आएगा? डेटा एम्प्टी एरे, एम्प्टी एरे, रिफ्रेश किया दोबारा, एम्प्टी एरे आ रही है। कंपोनेंट्स पे गए और क्रेड पे गए, सिलेक्टर पे एम्प्टी एरे आ रही है। यहां जो लिखूंगा वो इसके अंदर आना चाहिए, पक्का श्योर है? ए जबरदस्त, आपका डेटा सक्सेसफुली उधर तक जा रहा है, रिडक्स तक आ रहा है। ठीक है, बी ठीक, हाथ के हाथ इस लिस्ट को रेंडर करा लेते हैं, रियल टाइम आपका अपडेट होगा। ठीक है, मैं नीचे आया, यूएल ठीक है, और फेच डेटा डॉट मैप, ऐसे ही होगा या लूप? मैं डेटा दिखाना है ना नीचे, मतलब क्लास वो लिस्ट नहीं थी, ये लिस्ट है, ये एरे ऑफ डेटा है, लिस्ट है ना, कैसे प्रिंट होती है? ऐसे ही होती है, ऐसे ही होती है। ठीक है, ये क्या लेता है पैरामीटर में? एक कॉल बैक आइटम, और ये क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, जल्दी जल्दी बताओ। इंडेक्स डॉट इंडेक्स ये रिटर्न, जी मैं आपके पास जी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, मैप का जो फंक्शन है उसके अंदर जो कॉल बैक पास हो रहा है वो क्या रिटर्न करता है, एडिट सर आइटम भी करता है जो आइटम ठीक जो आपकी बनाई हुई कंडीशन हो, या तो वो या तो एक एलिमेंट, वो एक अलग, वो तो आप दोगे। मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, रिटर्न क्या करता है, या तो आपका बनाई हुई कंडीशन, अगर नॉर्मल फंक्शनैलिटी हो, जेएसएक्स यूज कर रहे हो तो आपको एक चाइल्ड रिटर्न करेगा, मल्टीपल चाइल्ड नहीं देगा, वो चाइल्ड एक चाइल्ड रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने बोल दिया सही है भाई, आप दे दो एलआई, सही है, एलआई रिटर्न कर दो, इस लाइन के ऊपर की जरूरत नहीं है, एक ही चाइल्ड तो है, सही है, एलआई, और इसके अंदर आइटम, कौन कह रहा है ये वर्क करेगा? नेक्स्ट नहीं कर रहे सर करेंगे कि नहीं करेंगे वो आप बताओगे, नहीं अगर करनी है तो करेंगे या नहीं कर सकते सर करेंगे तो क्या होगा? वो नहीं बताएगा ना, पोजीशन नहीं बताएगा ना टोटल अंदर अंदर का नहीं आएगा, अभी चला के देखें। में नहीं आएगा।
कौन सा दूसरा पैरामीटर? दूसरा क्या है? सही है, लेकिन ये भाई बोले हैं कोई एरर नहीं आएगा, ये दो बोले हैं एरर नहीं आएगा, और वो जो ये तो बोल रहा है कि जो लिखा हुआ होता है टेक्स्ट वो भी नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल ऊपर से आया आज। ठीक है, सेफ किया, ए और बी तो आ गए, और ये एरर भी आ गया। ई चाइल्ड इन एलिस शुड हैव अ यूनिक की प्रो। ठीक है, ओके, मैंने मुझे यहाँ से इंडेक्स भी मिलता है, और यहाँ पे मैंने की दे दिया की इंडेक्स, सेव किया, एरर गॉन। अब सी लिखूंगा नीचे आएगा डायरेक्ट रियल टाइम, बिल्कुल आ रहा है, गुड हो गया। डेटा अपने घुमा फिरा के स्टोर से हर जगह से सैर करा के कंपोनेंट में आ गया। जावा स्क्रिप्ट में कोड बनाई थी आधे घंटे में, यान 2 घंटे चल रहे हैं। इससे हाँ भी ज्यादा आसान बंदा बोले यार यही तो रिजल्ट याद है, यू ग्रुप कराए। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसके बराबर में एक बटन लगाएंगे, इसी के बराबर में एक बटन लगाएंगे, डिलीट एडिट आपको करना है। जी सही है, तो अब बताओ ये वर्क करेगा क्यों नहीं वर्क कर रहा? सर, नीचे लिख लेता हूँ, सिंगल लाइन है भाई साहब पीछे वाले भाई आराम सही बता रहे हैं। अभी मैंने बोला था रिटर्न, एक चाइल्ड रिटर्न करेगा। हाँ वो तो मैं जो भी लगा लूं, लेकिन जवाब वो है। से। इसके अंदर लिखो ना फिर। ठीक है, एक्स दोबारा लाइव जितना डेटा है वो दोबारा से लाइव डेटा दोबारा डेटा स्टोर डेटाबेस से भी कनेक्ट करेगा, दोबारा कहीं नहीं जा रहा डेटा, कहीं नहीं जाएगा। बच्चों को कनेक्ट करना भी जाएगा नहीं, रिफ्रेश पे तो नहीं, जाएगा। उसके लिए दोबारा डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा जी अब बिल्कुल। जो है हम ओरिजिनल डेटाबेस पढ़ेंगे, लोकल स्टोरेज नहीं पढ़ेंगे। वैसे आप लोकल स्टोरेज डेटा से कनेक्ट नहीं होती ना, डेटा से कनेक्ट होती है लोकल स्टोरेज में। क्यों नहीं होती? बिल्कुल होती। आप कोई चाह रहे हो कि जब मैं दोबारा आऊं ये वाला डेटा रह रहे तो वो वो तो लोकल? लोकल स्टोरेज से नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, होगा। लोकल स्टोरेज भी इससे टेम्परेरी सेव करती है नहीं करती है। टेम्पोरेरी सेव करती है, वो भी 6 8 10 महीने तक। ये बहुत होते हैं, ये बहुत होते हैं। लेकिन एक पहले तो आपने मतलब फोलो लोकल स्टोरेज का तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने 10 दफा आपके सामने क्रेड ऑपरेशन जब कर रहे थे डेटा तो रहता था। मैंने भी आज बोला था तो मेरा भी डेटा फिर भरा था। अभी अच्छा सर, लेकिन हमने डेटा आ गया यार, ये कहाँ से आया? लेकिन नहीं लोकल स्टोरेज जितना हमने की दोबारा तो नहीं करना वो काम यहाँ नहीं पड़ेगा। करेंगे, वो काम यहाँ नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक क्रड एप्लीकेशन नॉर्मल बन रही है, रिएक्ट रिडक्स से बस, कोई डेटा अभी वेटा सेव नहीं कराना। सही है, हमने नहीं करवा रहे ये लेकिन रिडक्स से आ रहा पहले है। ये देखो ना, यहाँ पर आओ कंपोनेंट्स में, और ये सिलेक्टर, सिलेक्टर से आ रहा है। सिलेक्टर स्टोरी तो है आपका, स्टोरी तो है। ठीक है, आओ वापस आते हैं। करवा हाँ रहे थे रिफ्रेश नहीं करा हुआ था। ठीक है, ओके, सर, एबीसी हाँ नहीं आ रहा आ तो रहा है और क्या। नहीं, रिफ्रेश करें ना, मैंने बोला तो था रिफ्रेश पे उड़ जाएगा। लोकल स्टोरेज वाला काम काम नहीं है अभी ये लोकल स्टोरेज वाला काम नहीं है। ये सब क्या करेगा? शुरू यहाँ जो रख दिया है किसी और कंपोनेंट में चाहिए तो मिल जाएगा, बस ये काम करेगा बस। किया। नहीं तो डेटाबेस को करना पड़ेगा, डेटाबेस बिल्कुल, इसके अच्छे भी रहेंगे, उसके अच्छे भी रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहले आइटम, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ पे मैंने दे दिया एक बटन, डिलीट। सही है, शो होगा नहीं होगा?
ठीक है। मैं क्या कर सकता अब क्या करेंगे इसके बटन पे, इसके बटन पे यही डेटा कहाँ से उड़ाना है, रिडक्स से, क्योंकि लिस्ट रिएक्ट में तो दोबारा है नहीं। जाएंगे तो आपको पता फिर चल दोबारा जाएगा। घूमने जाएंगे अरे आपने वेब एप्लीकेशन बनाई लाइव में, उसमें आपको एक ही तरह एप्लीकेशन की जरूरत है, तो फिर तो आप रिडक्स नहीं बनाओगे, फिर तो आप कंपोनेंट बनाओगे। नहीं, फिर भी रिडक्स बनाऊंगा। आप नहीं है, बताओ होता है एप्लीकेशन के पेजेस कितने हैं? अगर पूरी एप्लीकेशन में करा है, आपको एक ही दफा यूज करना है, आप एक दफा बना लो। नो नो नो, आपको सपोज करो तुम्हें मैंने तीन, मैंने ये देखो यार, एक एपीआई ग्रुप पे फेंकी थी सिटीज लिस्ट की, देखी थी, मुझे वो चाहिए तीन जगह पर। हर जगह कॉल करोगे मंगवाओगे, कॉल करोगे मंगवाओगे, तीन जगह चाहिए। उसका तो चले हम रिडक्स करा देंगे, फिर लेकिन ये जैसा वो इतना हैवी काम नहीं होगा ना जितना क्रड हैवी काम। देखो आप सपोज करो तुम्हें, तुम्हें ये जो लिस्ट है एक और जगह चाहिए, वो कैसे आई, एक और जगह चाहिए। फिर अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से मंगवा नहीं चाहते इसी एपीआई ना ना को। ना ना, मैं भी ये, मैंने तुम्हें क्या बताया स्टार्ट में, मैं अपने सर को बोला था सर मैं आपको रिएक्ट से करके दे दूंगा। अभी मंगवा रहे थे हाँ मैं थोड़ा वही से कर दूंगा, लेकिन जब बहुत गहराइयों में गया ना, थोड़ा डीप, बिल्कुल लॉजिकल फेस में, तब फंस गया था यार। अब कैसे ऊपर जाएंगे, अब तो जा ही नहीं सकते, डेटा पता नहीं कहाँ जाके रखा हुआ है, यहाँ चाहिए। तो मैंने बहुत बोला नहीं भाई पढ़ ही लेते हैं, ही कॉम्प्लिकेटेड एप्स हैं, उसमें चीजें काम आनी, बहुत बेसिक चीजों में तो नहीं काम मिड आएगा। लेवल अगर है ना तो भी यही चीज काम आएगी। आज 27 मिनट है, थोड़ा सा और 20 मिनट है, 27 मिनट पे काम हो रहे हैं, यही मैं भी आठ सोच रहा था, लेकिन इसके बिना अब मेरा गुजारा नहीं है। बहुत ज्यादा है। 5,000 वाले डॉलर में भी काम हो जाए। ये 500,000 वाली चीज तो नहीं चलो आगे बढ़े। अच्छा ना, पूरा टाइम खत्म करो। आप बताओ इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग बताओ। एक काम तो मैंने करा दिया, डिलीट के लिए क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ सबसे पहले का एड आइटम कौन सा आइटम तो लिस्ट सेव, मंगवाई भी तो है, ये तो री भाई, ये री, ये क्या है फेच डेटा। सब मंगवाया जैसे अब ही सबसे पहले क्या करेंगे, बोला एक डिलीट हैंडलर का फंक्शन बनाएंगे। यूज जो इफेक्ट में क्यों बनाएंगे? भी मैंने बोल रहे हैं जैसे निजार अरे क्लिक भी करेगा तो पता है आगे जाकर आवाज में बनता है, फिर आप के डिलीट आइटम हैंडलर सही है, कौन डिलीट आइटम हैंडलर इज इक्वल टू दिस। पास पास कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, बटन क्लिक पे। करेंगे तो देखो ऐसे श्योरिटी वाले बंदे चाहिए लिख मुझे। देता है, तब इतना काम करें भी तो सिर्फ क्लास में लिखता हूँ, वहां नहीं लिखता। नहीं बेस्ट भाई बेस्ट प्रैक्टिस, अभी चला के देख लो, चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मैं चाह रहा हूं जब जिसमें क्लिक करूं उसका इंडेक्स उठा के ले, ये आपको 10 दफा कराए, ये आप लोग बताओगे कैसे करेंगे, कैसे देखिए करेंगे। बट मैं जब इस पे क्लिक करूं इसका इंडेक्स 0 है, 0 आ जाए। अहमद पे क्लिक, असद पे क्लिक करूं उसका इंडेक्स क्या है, 1, देखा देखा इंडेक्स आ जाए, देखो इंडेक्स इंडेक्स ऑफ मेथड ये करता है। अबे यार बटन क्लिक पे चाहिए। अच्छा ही है, मुझे कोड बताओ मैं वैसे ही करूंगा। बताओ यहाँ पे क्या करें। नहीं सर, आपको इंडेक्स बताओ आपको बताओ इंडेक्स बताओ। चाहिए, आइटम चाहिए, बताओ इंडेक्स हाँ आपको आइटम चाहिए ना, इंडेक्स नहीं आइटम क्यों चाहिए, चाहिए, मुझे इंडेक्स चाहिए, मेरी मर्जी। मर्जी तो मैं आप ही कह रहे सर, इंडेक्स सर 0 1 2 ये ये चाहिए। देखो कंपोनेंट्स में आए, ये देख रहे हो 0 1। बात तो सर डिलीट करने की हो गया, हाँ जब मैं डिलीट करना है ना, जब मैं डिलीट करना है तो ये आप लोगों को ही बताना है कि इंडेक्स मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा। चलो ऊपर यहाँ इंडेक्स पास होगा पहले उसके पैरामीटर।
क्या कह रहे हो भाई? अरे एक यूज स्टेट क्यों बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? आप खुद बताओ किस लिए बनाएंगे? न्यूज़ इनपुट इसके पैरामीटर में पहली पहले तो वो पास होगा, क्या की की पास होगी। लिख दूं यहाँ पे? ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब मिल जाएगा। सही है, सेव किया। ये मिल रहा है, ये कुछ भी नहीं है, बेकार चीज है ये। फंक्शन जहाँ कॉल करना है तो वहाँ कॉल कर लो, होगा कुछ इसी तरीके से, फंक्शन सर कॉल किया उसमें है तो क्लिक कॉल करेंगे ना कर नीचे, हम जो लो। बटन ऑन क्लिक हमने आया है। ये अरे भाई साहब जो है ना सही पढ़ कर आए हैं। यार क्या लिखेंगे? डेटा ट्रांसफर रिटर्न तो उसका नाम उसके अबे यार गलत जगह लगा रहा हूँ मैं, ऐड की जगह लगा रहा हूँ मैं, डिलीट की जगह लगा रहा हूँ। कॉल बैक, अरे डिलीट हैंडलर। सही है, अब चलेगा। ऑर्गेनाइज़ ये लो, कैसे देंगे, क्या देंगे? यहाँ पे इंडेक्स इंडेक्स देंगे भाई। जिंदाबाद इलियास भाई, जिंदाबाद। सेव किया, 0-1। ये बोलना चाह रहा था, आपने अलग से पढ़ाया है तो लेकिन नहीं भाई, मैंने हाँ क्यों लेकिन पढ़ाऊंगा मैं क्या मैं लगे था वो इस वजह से क्योंकि ऑफिस में चाहिए बंदा, तो ऑफिस में आगे तो डेटा सारा डेटा ओरिएंटेड ट्रांसफर डेवलपर। हो गया। सही है, इंडेक्स मंगवा लिया इंडेक्स के बिहाफ पे। अब इसको पहले भेजते हैं कहाँ पे, एक्शन पे भेजें। अटैचमेंट्स की मोटिवेशन काम कर रही है। इसको कॉपी करा, DELET, सी, सेव किया, क्रेड एक्शंस। आधे घंटे का बोलता सुन इंतजार अपने पास ऐसे हैं जो जाते नहीं। ठीक है, इंतजार कर डिलीट आइटम हैंडलर। इसमें चेंजेस क्या होंगे वो आप बताओगे। सही है, कॉपी किया इसको। सेव DELET, डिलीट डिलीट। यहां पर क्या मिलेगा मुझे, इंडेक्स। सही है, की, और यहां पे इंडेक्स। इसको मैं बंद कर देता हूं भी, और डिलीट आइटम को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया, और क्रेडिट यहाँ पर आ गया। यहाँ मैंने मंगवा लूंगा, मिल जाएगा डिलीट आइटम। इसको भी बन गया, एक लाइन फंक्शन, डिस्पैच। डिलीट आइटम, और उसके अंदर दे दिया की। किसी को इस फंक्शन से मतलब तो नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा ठीक तो थोड़ा सा और है ज्यादा फिर करें, थोड़ा सा और ज्यादा करें। भी करिएगा हाँ क्लियर भी करूंगा, करें। ओके, थोड़ा सा और ज्यादा करते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, इस लाइन को मैंने बंद कर दिया, डायरेक्ट बटन में ये कर देते हैं। ये लो भाई, कंट्रोल भी। चलो भाई, नहीं, वो बैठा रहेगा, जाएगा नहीं। इंडेक्स, ये किस किस को समझ में आया? बस कुछ भी नहीं करा मैंने, ऊपर वाला फंक्शन तो खत्म हो गया ना। कॉल बैक पे आपने फंक्शन पास करना, मैंने डायरेक्ट एक ही लाइन का फंक्शन है डिस्पैच में यहीं से चला दिया। वहां मिलेगा क्या, बोलती हो? कर यार बंद किया गया उसको मैंने, दिया ये रेड, वो रेड रेड आता है ना जब, तो इसका मतलब है कमिट हुआ हुआ है। सही है, सेव किया, बड़े T0, T1, action.js, line number 20, क्लियर।
डिलीट आइटम मंगवा लिया, इसको आगे भेजते हैं यहाँ से, डिलीट आइटम, और यहाँ पे की नॉट बोर्ड इंडेक्स आगे जाएगा, जाना जाना तो चाहिए नहीं जाएगा। सही। आप टाइप डिस्पैच में इसको ऐड आइटम को हटा के इसको रिप्लेस करना डिलीट आइटम क्योंकि अब मेरी टाइप चेंज है ना, अब मैं केस दूसरा बनाऊंगा, लेकिन आप दोबारा ऐड करना होगा तो होगा बिल्कुल होगा, तभी तो ऐड नीचे भी आ रहा है, नीचे कैसे आ रहा था वरना। चीज नहीं गई और ऐड कर दो। और ऐड करा, एक नया फंक्शन बनाया है, ठीक है, सेव किया, और इस वाले केस को अब हम कर देते हैं बंद। मैं आता हूँ नीचे, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं कॉमा, डिलीट आइटम, सही है, केस कंट्रोल, केस डिलीट आइटम, ठीक है, हो तो क्या करो, लेट डेटा, अब जो है ना पक्का अपने आप पे कॉन्फिडेंट रख के कोड लिखते हैं भाई, कंसोल नहीं कराएंगे, डायरेक्ट ओवरराइट मारेंगे, डेटा लिस्ट क्लोन सी एल ओ एन ई, ऊपर ये वाली लाइन बन रखी थी, इस वजह से यहाँ पे ये वाली लाइन खोलते, इज इक्वल टू दिस डेटा लिस्ट क्लोन, ऊपर कीवर्ड बनाया हुआ है, डेटा लिस्ट क्लोन फॉर डी, फॉर डिलीट पर्पस, सही है, एक वेरिएबल बनाया और कुछ नहीं करा, ठीक है, इसमें मैंने दे दिया 1 2 3 स्टेट डॉट डेटा लिस्ट, क्लियर, मैंने बोला डेटा लिस्ट क्लोन फॉर डी, सही सही है, डॉट स्प्लाइस कहाँ से शुरू करो, नो एक्शन डॉट पेलोड में जो आ रहे हैं, एक्शन डॉट पेलोड में से जो आ रहे वहां से शुरू, एक्सपेरिमेंट फेलर नहीं क्या रहा ये देखो ना 0 1 की एक की आग की वैल्यू आ रही है, यही तो आ रही है, क्या हो गया ये रहा इंडेक्स आ गए इंडेक्स आ रहा है ना, नंबर मिल तो रहा है, तो एक्शन डॉट पेलोड ही लिखेंगे और क्या लिखेंगे, सही है, एक्शन डॉट पेलोड से शुरू करो, एक उड़ा दो, ठीक है, जहर ने बोला एक चीज समझ आ गई तो एक मैं दो यही आया तीन तेज, और उसके बाद डेटा लिस्ट को यहां से उठाओ, सी सर। वन तो आपने डिलीट काउंट लिखा ना कि एक तक सिलेक्ट करना अभी देखते हैं उसको, डेटा और ज्यादा होते हैं लिस्ट क्लोन फॉर डी, सेव करते हैं और चलाते हैं, मतलब रिफ्रेश, ठीक है, चलाएं, पेलोड एक्शन का पेलोड स्टार्ट करना ए बी और सी, ठीक है, बी को डिलीट करें, होना चाहिए, नई वाला कौन है, कोई भी कोई भी नहीं आज, सही यार है, सक्सेसफुली डिलीटेड, दोबारा से एक साइकिल रिवाइज करें, डिलीट की खाली, डिलीट की, सही है, डायरेक्शन नॉट पेलोड वाले तो अबे यार चल दिखाते हैं। नहीं पता देखो यहाँ पर एक एक्शन डिस्पैच हुआ डिलीट का, उसमें मैंने क्या दे दिया, मैंने बोला जो भी इंडेक्स है उसको ले जाओ, यहाँ तक क्लियर है, इधर तो किसी को बताने की नीड नहीं है, ओके, एक्शन फंक्शंस में मैंने एक डिलीट आइटम का फंक्शन बनाया, मैंने बोला भाई जब भी क्या चले, डिलीट आइटम की जब भी टाइप चले ना पेलोड में इंडेक्स ले जाओ, जो वहां से क्लिक हो रहा है जिस पर बटन क्लिक कर रहा है, तो इंडेक्स आगे चला गया, इंडेक्स आगे चला गया, ठीक है, अब जब डिलीट आइटम उसको केस मिला, तो उस मैंने सबसे पहले अपनी एरे की एक कॉपी बनाई, देखो ऊपर स्लाइड से बनाई, इधर इधर से बनाई, बताने के लिए दोनों चीजें प्रॉपर वर्किंग में है, ये अपडेटेड मेथड है, वो ओल्ड मेथड है, दोनों सही है, ठीक है, स्प्लाइस क्या करता है, 1000 दफा बताया है, ठीक है, मैंने बोला एक्शन डॉट पेलोड में जो भी नंबर आ रहा है, की आ रही है, वहां से शुरू करो, एक उड़ा दो, ये पेलोड वाला जो कि हमने ये ये वाला पेलोड पेलोड है, बिल्कुल यही पेलोड है, सर इसमें वो हेड वाला पेलोड नहीं है।
वही, वो तो उसका केस ही अलग है, उसका केस ही अलग है। डाउन कर दिया था ना, ऊपर चला गया, किसी को देख नहीं रहा था। अबे तो ये नहीं अरे दिख रहा कि ये क्या हो रहा है, ये बाप देखो बराबर में। रे, एक्शन सर, एक्शन क्या, एक्शन जो है वो फाइल का नाम है, एक्शन डॉट पेलोड जो लिखा है, एक्शन क्या चीज है वो, कौन सा एक्शन? पेलोड के पहले आपने लिखा है एक्शन डॉट पेलोड, ये वाला एक्शन, ये वाला एक्शन मैंने आपको बोला एक्शन फंक्शन था, है। सही ये देखो ना, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है एक्शन, है, और उसके ये वेरिएबल जो है ना, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो चीजें आ रही है। मैंने बोला एक चीज लाजमी आएगी, टाइप, तभी तो मैंने एक्शन डॉट टाइप को चेक कराया। वो तो सही है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा डिलीट वाली आपको टाइप चाहिए, अबे ये भाई गलत यहाँ नहीं पर टाइप करा, कंसोल करा लेते, एक्शन भी दे दो मुझे, कंसोल डॉट लॉग, तो ये कैसे पता है कि क्या आप देखो ना, वो अभी बताएगा आपको। सेव किया, ए और बी, ठीक है। अब बी पे क्लिक कर रहा हूं मैं, उसने बोला कि डिलीट आइटम पेलोड में आया था 1। अब क्लियर हुआ, केस यही चला, तो उसने बता दिया भाई ये एक्शन था। केस में बताया ना, केस अगर में ऐड बताएंगे ना, और कर कहां बताएंगे। दे तो खुद ही बिल्कुल, तब वो ऐड वाला केस चलाएगा, डिलीट करो तो डिलीट वाला केस चलाएगा। आठ साल है कंप्यूटर का बनाया है ना, तो ठीक है, आपको अपडेट वाला काम करना है और डिलीट ऑल वाला काम करना ये बात है, एडिट वाला खुद करके लाना है। नेक्स्ट क्लास तक नहीं, मैं फ्राइडे तक का टाइम दे रहा हूँ। फ्राइडे नेक्स्ट क्लास की है। हाँ तो वही ना, कमिंग नेक्स्ट फ्राइडे। यस सर, ठीक है, बस कोड आपको ये आ मिल रहा है, जाएगा, पूछ सवाल आ रहा है, सवाल आ रहा है, पहुंचने लो पूछ वाला है, क्या लो पूछ लो। रहेगा पास आने वाला, कुछ हाँ और क्वेरी क्या रखते हैं रहता उसके बारे में ज्यादा, सही बंद है, बंद आप करना पड़ता है बताओ स्प्लाइस का मेथड जावास्क्रिप्ट का क्या करता है? हमारे को, जितनी क्वेरी आगे भी स्प्लाइस का ये मेथड पैरामीटर में क्या क्या लेता है? क्वेरी दो वैल्यू लेता है, तीन स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग लेता है। स्टार्टिंग यस, शुरू करना है, क्या करना है, कितना आइटम डिलीट करने है और पूजा को रिप्लेस करना हाँ बिल्कुल, मैंने बोला एक्शन डॉट पेलोड में जो नंबर आ रहा है वहां से शुरू करो, 0 आए तो 0, 1 आ रहे तो 1, 10 आ रहे तो 10, ठीक है, और कितने डिलीट करो, एक, बस है। क्लियर। अभी तो आपने जो एड आइटम लिस्ट मंगवाई थी उसको ओवरराइट नहीं किया, बल्कि नई आइटम मिल जाए तो उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जब एडिट बनेगा तो उसमें जो नया एडिट होगा उसमें एड आइटम भी ओवरराइट होगा। आपका काम है ये, सर उसमें तो हमने कैसे गए, क्या होगा, कोशिश करो ना, नहीं होगा तो करवाऊंगा। यानी ये तो नई, अभी तो हमने नई बना ली तो हाँ थोड़ा इजी था, अब उसको भी वहां जाके फिर ऐसे आपने करना है, ऐसे करना है, ठीक करना है, है, नहीं होगा होगा होगा, इसको बुला लेना, इसको घर पर बुला सर, लेना, ठीक है। कॉन्टेक्ट हुआ चलो वाइंड अप करते हैं, ठीक है, करेंगे, ठीक मैं बोला इसको बुला है लेना। पहले 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 कुछ खाएंगे, फिर घर चलेंगे। लैपटॉप ठीक है। चलेंगे।